गाइज वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चलेगा, क्या कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस उनकी होने वाली है। ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर बात मैं बोल रही हूँ वो सबके साथ तो मैच नहीं कर सकती है। सो ओनली टेक वॉट रेजोनेट्स। हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरा नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी एक्टिवेट किया हुआ क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, स्पेशली ये जो क्रिस्टल है वो रोज़ क्वार्ट्ज़, ये बहुत लोग पसंद करते हैं क्योंकि आपके रिश्ते को ड्रास्टिकली इम्प्रूव करता है, सुधारता है आपके रिश्ते में, और हार्मनी, प्यार, अट्रैक्शन, पैशन भर देता है। और अगर आपके पर्सन से दूर भी गए हैं ना, तो ये क्रिस्टल उनको आपके करीब खींच लाता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये रोज़ क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल है। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, बार बार रिश्ता खराब हो जाता है या कोई कुछ करा रहा है आपके रिश्ते पे, तो ये कॉम्बिनेशन पहनो, ब्लैक टॉर्मेलाइन और रोज़ क्वार्ट्ज़। इससे क्या होता है कि कोई अगर नज़र टोटका या कुछ ऐसी चीज़ें लगी भी है आपके रिश्ते को, वो निकल जाएगी हमेशा के लिए और आपका रिश्ता बेटर बेटर होता जाएगा। अगर आगे जाके कोई लगेगी भी नहीं नज़र वज़र, ठीक है, कोई कुछ करा भी नहीं पाएगा आपके रिश्ते को, ये कॉम्बो इसलिए एक बहुत पावरफुल है। अगर आपको ऐसे ही लगता है कि मुझे नज़र लग जाती है, मेरे काम नहीं बनते हैं, लोग में बहुत नेगेटिविटी देते हैं, बहुत जलने वाले बढ़ गए हैं, तो आप ये पहनो, आपको प्रोटेक्ट करेगा, हील करेगा, ठीक है, आपको किसी भी बुरी शक्ति से, बुरी नज़र से बचाएगा। आपकी हेल्थ के लिए आप एमेथिस्ट ले सकते हो, मतलब नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, मेंटल, सोल लेवल, फिजिकल लेवल, हर लेवल पे ये आपको हील करता है एमेथिस्ट। और यहाँ पे है पाइराइट, ये आपको मनी मैग्नेट है, ये आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा खींच लाता है। फिर ये आपको गुड लक देता है, ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ। अगर आपको लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन मुझे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ग्रीन एवेंचराइन आपको मदद करेगा। सिट्रीन भी है मेरे पास। सिट्रीन क्या करता है, वो आपके लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटीज़ ले आता है बहुत सारी। और ये है मास्टर हीलर है, क्लियर क्वार्ट्ज। इससे पहनोगे ना, आपके मन में इतनी शांति फील करोगे, इतनी क्लैरिटी फील करोगे, सही से डिसीजंस ले पाओगे, और एक सुकून सा महसूस होता है क्लियर क्वार्ट्ज पहनने के बाद, ठीक है। और ये जिसके भी साथ आप पहनोगे उसकी पावर दुगनी हो जाती है, ये उस क्रिस्टल को क्लेंस कर देता है, ठीक है। तो आपको इसमें से कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होने वाली है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, एक्शंस क्या होने वाले हैं आज, जिस भी वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दीजिए आज वो क्या महसूस करने वाले हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स को लेआउट कर लिया है, अब हम कार्ड्स पुल करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है डेविल, फाइव ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स। देखिए, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है ना कि आपके पर्सन ना आपके साथ एक अलग लेवल के अटैचमेंट फील कर पाते हैं, ठीक है। उनको आज पूरा दिन वो आपको बहुत मिस करेंगे, एंड आपके तरफ उनका दिल उनको बार बार खींचेगा, बार बार उनकी इच्छा होगी कि वो आपसे बात करे, वो आपसे जुड़े, यू नो, वो अटैचमेंट वो फील कर पाएंगे। उनको लिटरली ऐसा महसूस होगा कि अगर वो आपके पास नहीं आते, अगर वो आपसे नहीं जुड़ते, तो वो लिटरली मतलब एकदम मर जाएंगे, उनकी लाइफ जैसे ख़त्म हो जाएगी, लिटरली ऐसा महसूस करने वाले। अगर वो काम भी कर रहे हैं तो वो बिज़ी होने के बावजूद भी आपको मिस करेंगे, ठीक है। उनका ध्यान बार बार आपके तरफ ही आएगा, वो बार बार आपको ही याद करेंगे, वो बार बार उनका दिल दिमाग उनको आपके तरफ ही खींचेगा। तो एक पुल, एक अट्रैक्शन, एक फिज़िकल भी कह लो और एक इमोशनल क्रेविंग भी इनको फील होने वाली है आज, ओके। रह रहकर बार 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 इस पर्सन को आपकी याद आएगी, वो अपने आप को आपके बारे में सोचने से नहीं रोक पाएंगे, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है इस पर्सन को ना ऐसा महसूस होगा कि कहीं वो आपको खो तो नहीं रहे, कहीं आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपका अटेंशन किसी और की तरफ तो नहीं है, कहीं आपकी फीलिंग्स अब उनके उनके लिए ना हो कि किसी और के लिए तो नहीं है, ठीक है। बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत डर, यू नो, ट्रस्ट इशूज़ इनके अंदर मुझे आज आपके आपको लेकर दिख रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक भी कर सकते हैं, और इनको रह रहकर इनके दिमाग में एक ही चीज़ आएगी कि यार कहीं ये इंसान
मुझे छोड़ के हमेशा के लिए इमोशनली मुझसे कट ऑफ तो नहीं हो गया, कहीं इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, यू नो ऐसी ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में आ जाने वाली है। ये पूरा दिन बहुत परेशान रहेंगे ये सोच सोच कर कि क्या वॉट इफ कल आप किसी के साथ मूव ऑन कर लेते हो, या आपने किसी के साथ मूव ऑन कर लिया हो ऑलरेडी, तो वो कैसे सहेंगे। तो ये आपको इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग भी करेंगे आज पूरा दिन, ताकि वो देख पाए कि आखिर आपके लाइफ में चल क्या रहा है, कौन आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है, कौन आपको अटेंशन दे रहा है, यू नो टू नो वॉट वॉट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। वो आपको बहुत स्टॉक करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन ना कहीं इनको ऐसा होपलेस सा फील होगा, इनको लगेगा कि शायद अब आप उनके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते हो, शायद आप उनसे अब पहले जैसा प्यार नहीं करते हो, शायद आप कभी भी उनके लाइफ में फिर से नहीं जाओगे, उनसे नहीं जुड़ोगे, चीज़ें कभी ठीक ही नहीं हो पाएगी। बहुत नेगेटिव, बहुत ही सैड, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। जैसे हारा हुआ इंसान होता है ना, उसको लगता है कि मैं सिर्फ हार ही रहा हूँ लाइफ में, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मैं खुश नहीं हूँ, यू नो ये ऐसा महसूस करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन डे ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं कि यार वॉट इफ़ ऐसा हुआ, वॉट इफ़ वैसा हुआ, क्या क्या, बहुत सी ओवर थिंकिंग मुझे ये पर्सन में लगे हुए दिख रहे हैं पूरा दिन। ठीक है, और इनको ये भी फील होने वाला है कि आप इनसे प्यार तो करते हो, लेकिन आप गुस्सा क्यों शो कर रहे हो, आप ऊपर से अपना प्यार शो क्यों नहीं कर रहे हो, आप ऐसा दिखा रहे हो कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बहुत नाराज़ हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ठीक है, हो सकता है आपने इनको बहुत बुरी से बुरी बुरी चीज़ें बोल दी हो, या फिर बहुत रूडली इनसे बिहेव कर लिया, और वही चीज़ इनके दिमाग में बैठ गई है, क्योंकि इनको पता है आप प्यार करते हो, लेकिन फिर आप ये गुस्सा क्यों दिखा रहे हो, फिर आप इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हो, फिर आपने अपने अराउंड एक वॉल क्यों बिल्ड कर ली है। इसी बारे में पूरा दिन ये पर्सन सोचेंगे कि कैसे वो आपके दिल तक पहुंच सकते हैं, कैसे वो आपका ट्रस्ट जीत सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा सेल्फ गिल्ट भी होने वाला है, रिग्रेट भी होने वाला है कि मैंने उसको कुछ भी अच्छा ऑफ़र नहीं किया, इस वजह से ही वो इंसान मुझसे दूर हो गया, क्योंकि मैं उसको कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा ऑफ़र नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ उसका विश्वास तोड़ा है, और कभी भी उसको कमिटमेंट नहीं दिए, अश्योरेंस नहीं दी कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, और मेरे साथ तो यही होना था। ठीक है, तो अपने आप को दोष देते हुए लिटरली मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, लेकिन ये आपके साथ ना अभी भी टेन ऑफ कप्स चाहते हैं, ये आपके साथ हैप्पी रियूनियन चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और इनके दिल में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। ठीक है, ये पूरा दिन आज इसी ड्रीम में ही गुजार देंगे कि मेरी उससे शादी हो जाए तो कहीं यू नो हम दोनों कैसे दिखेंगे, हम कितने हैप्पी रहेंगे, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते सोचते आज इनका पूरा दिन निकल जाएगा, ये मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली देख रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं आज पूरा दिन, इनके मैसेजेस दिल की गहरी फीलिंग्स मैसेजेस के थ्रू क्या होंगी। एक होना बड़ा चैलेंज है हमारा, सी रीडिंग में भी निकल के आया था। इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि अब हमारा रीयूनियन इज़ अ चैलेंज नाउ, अब बहुत मुश्किल है हमारा रीयूनाइट करना। कटिंग एवरीवन ऑफ ऑफ माय लाइफ, तो सिर्फ आपको ही नहीं कट ऑफ किया इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी से, सबको कट ऑफ कर दिया है, या करने वाले हैं, या करने के बारे में सोच रहे हैं। टू स्केयर्ड ऑफ यू, मैं बोली ना डर रहे हैं आपसे, क्योंकि इनको पता है प्यार करते हो, लेकिन आप गुस्सा शो कर रहे हो, या आप बहुत कोल्ड हो गए हो, तो उनको डर लग रहा है। नो वन कैन मेक मी फील लाइक यू, तो कोई मुझे वो फील नहीं करा सकता जो तुमने मुझे फील कराया है। आई नो हाउ टू वू यू, लेकिन इनको पता है आपका दिल कैसे जीतना है, आपको कैसे इम्प्रेस करना है। आई एम मिसिंग यू बैडली दीज डेज, तो आजकल ये आपको बहुत ज़्यादा पागलों की तरह मिस कर रहे हैं। ठीक है, तुमने मुझे हमेशा से कंट्रोल करना चाहा, तो इनके मन में ये क्या बोलते हैं उसको, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप उनको कंट्रोल करना चाहते थे हमेशा से। माई लाइफ इज़ हॉट मेस राइट नाउ, तो इनकी लाइफ बहुत बुरे फेज से गुजर रही है। डिज़ायर अ हैप्पी लॉन्ग मैरिज विथ यू, तो मैं एक लंबी और हैप्पी मैरिज डिज़ायर करता हूँ तुम्हारे साथ। पर्पजली गिविंग यू साइलेंट ट्रीटमेंट, तो मैं जानबूझ के तुमको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, उसके पीछे उनको ही वजह है, तुम्हारा ही नहीं मैंने अपना दिल तोड़ा है, तो आपको हर्ट करके इन्होंने खुद को भी हर्ट कर लिया है। बींग मोर ओपन टू माई इमोशंस, तो अब ये कहीं ना कहीं अपने इमोशन से जुड़ने लगे हैं, और बहुत ज़्यादा ओपन होने लगे अपने इमोशंस के साथ। पहले में भी बहुत क्लोज्ड ऑफ थे, बहुत प्रैक्टिकली हर चीज़ को देख रहे थे, लेकिन अब ये दे आर बीइंग ओपन।
आई विल विन यू बैक, तो मैं तुम्हें जीत कर ही रहूँगा वापस, मैं तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा प्यार और तुम्हें वापस हासिल करके रहूँगा। खुद से ही खफा हूँ मैं अब तो डेफिनेटली ये पर्सन अब खुद से ही परेशान है, खुद से सैड है, खुद से ही यू नो स्ट्रगल में है ये, दे नॉट हैप्पी। मैं रिस्क लेके तुम्हें जीतना चाहता हूँ, तो ये रिस्क लेना चाहते हैं और ये आपको जीतना चाहते हैं, ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। ट्राइंग टू गेट यू चेज मी, तो मैं अगर बोल रही हूँ ना कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए भी दे रहे हैं ताकि ये आपको चेज करवा सके, क्योंकि अब आप इनको मे बी चेज नहीं कर रहे हो। फ्रेंड जोनिंग यू इज़ द ओनली ऑप्शन, तो मे बी इस वक्त इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करके रखा है या मे बी पास्ट में इन्होंने आपको फ्रेंड जोन किया, ठीक है। मैं बहुत सोच समझ कर रिश्ता निभाऊंगा, तो ये बहुत सोच समझ के अब रिश्ता निभाएंगे। और लास्ट मैसेज ऑफ द डे है, व्हेन विल ऑल दिस स्टॉप, तो जो लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी चल रहा है दोनों के बीच में, वो कब रुकेगा, कब हम एक होंगे, कब हमारे बीच एक हैप्पी पीसफुल रीयूनियन होगा, चीज़ों का सोल्यूशन कब निकलेगा। सो व्हेन विल ऑल दिस स्टॉप, कब ये सब ख़त्म होगा केओस, ये इसी बारे में सोचते हुए आज पूरा दिन मुझे दिख रहे हैं। गाइज़ अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, स्पेशली रोज़ क्वार्ट्ज, ब्लैक टॉरमलाइन, ये लेना है आपको आपके पर्पस के हिसाब से, आपको कौन सी नीड है, कौन से चीज़ की नीड है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप मुझे मैसेज करो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय। सो ये है प्रोटेक्शन ऑयल, तो इसका यूज़ इस तरह से आपको करना है कि आपको रोज़ अपने रिस्ट पे या कहीं पे भी बॉडी पार्ट पे आप इसको लगा सकते हो, रोज़ लगाना है आपको। ये ऑयल आपको प्रोटेक्ट करेगा किसी भी नज़र दोष से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में आप सब सही कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ एंड टाइम पे गलत हो जाता है, तो वो नज़र की वजह से ही होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको या आपके घर में किसी को भी ब्लैक मैजिक किसी ने कराया है या कोई भी तंत्र या कुछ भी कराया है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ एकदम से लगाने से चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन ग्रेजुअली थिंग्स विल इम्प्रूव। और तो आप अगर ये प्रोटेक्शन ऑयल लेना चाहते हो अपने लिए, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये आपके हर एरिया ऑफ लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ करेगा और आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, ठीक है। सो बस आपको इसको दिन में लगाना है एक बार, आप मल्टीपल टाइम्स भी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पे जा रहे हो आप किसी इंपॉर्टेंट इवेंट पे या फंक्शन पे, आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे नज़र लग सकती है, तो आप वहाँ पे लगा के जाओ, या आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो। या अगर आपको ये स्पेल ऑयल लेना है, स्पिरिचुअल करके ही मैं बनाती हूँ इसको, आप जैसे ऑर्डर करोगे आपके लिए स्पेशली बनाया जाएगा आपके नाम से, ठीक है। सो मंगवाना है तो स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, तो जल्दी से जब मंगवाओ। एंड या हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ स्पेल जार के बारे में। तो ये है प्रोटेक्शन स्पेल जार, ये आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से, नज़र दोष, जो भी स्पेल वर्क कोई अगर आप पे कराता है या किसी ने कराया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बस अपने साथ रखना है। ये एक रिचुअल से बनाया हुआ एक स्पेशल स्पेल जार है, तो ये बस आपको साथ में रखना है। और इसका यूज़ तब तक ही हो सकता है अगर इसको आप ब्रेक ना करो, तो अगर ब्रेक हो गया तो आपको नया लेना पड़ेगा। तो जब तक ये है इंटैक्ट तब तक ही इसका असर रहेगा, अगर ये टूट गया इनकेस तो आपका इसको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये प्रोटेक्शन स्पेल जा रहा है जो मैंने नया लाया है, तो अगर आपको ये लेना है तो स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप करके इसको अपने लिए बनवा सकते हो। ये मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ, ये आपके ऑर्डर पे बनेगा, ये किसी क्लाइंट का स्पेल जार है, ठीक है। तो आपको भी अगर ये स्पेल जार लेना है प्रोटेक्शन वाला, तो मुझे जल्दी से मैसेज करो, व्हाट्सएप करो और अपने अपने लिए बनवा लो, ऑर्डर कर लो। और ये आपको हर तरीके की नेगेटिविटी से बचाता भी है, और अगर कोई नेगेटिविटी ऑलरेडी है उसको भी रिलीज़ करता है। सो बुक नाउ।